देखिए राजेंद्र, ये तो निश्चित है कि जो उम्मीदवार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हार गए हैं, वो कहेंगे उनके एडजस्टमेंट मुख्यमंत्री जी करेंगे, और ये मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार भी है। जो उनके करीबी होंगे और जिनका कम लंबे समय से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा है, और उनकी नियुक्ति निश्चित है कि इस प्रकार के जो नेचर के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हीं को इस पोस्ट पे लगाया जाएगा। चाहे मंत्री भी रहे हैं, असीम गोयल हैं जी, मनीष ग्रोवर हैं, रोहतक से आते हैं, रोहतक में वो चुनाव हार गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने जो कार्यालय है, उनका दफ्तर है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्टें थी उनके लिए जो आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे, वो लगभग सारे ही अपॉइंट हो चुके हैं। और इसके बाद अब आ जाती है पॉलिटिकल जो पोस्टें हैं उनके लिए। पॉलिटिकल पोस्टों पे क्या वो अपने बहुत करीबी लोगों को जो है वो आसीन करेंगे, क्या अपने बहुत करीबी लोगों को उस पर बिठाएंगे, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, सीएम हाउस की बात करते हैं। सीएम हाउस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं उनके लिए तो जो आईएएस ऑफिसर्स या दूसरे ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाने थे लगभग सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद आ जाती है पॉलिटिकल पोस्टों की, बड़ी अहम पोस्टें होती है पॉलिटिकल पोस्टें, ओएसडी की पोस्ट होती है या पॉलिटिकल जो अपना राजनीतिक सलाहकार जो होते हैं मुख्यमंत्री के, वो पोस्टें होती हैं। उन पोस्टों पे आपको क्या लगता है कि कौन कौन से जो नेता है वो आसीन हो सकते हैं, कौन कौन से नेता जो है वो हो सकते हैं, और उनका पैरामीटर क्या है, कैसे उनको जो है नियुक्त करते हैं? देखिए राजेंद्र जी, जो पिछले महीने अक्टूबर में 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसके बाद ही एक लोगों में क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों या कर्मचारी हों या आम जनता हो, एक क्यूरियोसिटी इस प्रकार की बनी हुई थी कि सीएमओ में किन को एडजस्ट किया जाएगा जी, पहले के जो सीएमओ में अधिकारी हैं उनको रिपीट किया जाएगा या कोई मुख्यमंत्री जी नए जो अपनी पसंद के जो ऑफिसर्स होंगे उनको एडजस्ट करेंगे या बिल्कुल ठीक है नियुक्ति देंगे उनको जी। तो ऐसे में मुझे लगता है जब ऑर्डर आए हैं तो अरुण गुप्ता जी को, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त उन्होंने किया है, तो और उसके अलावा जो डॉक्टर साकेत कुमार को एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है और यशपाल को डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है, इन तीनों की देख के मुझे लगता है नए अधिकारी इनको कहा जा सकता है सीएमओ में, जो जिनकी एंट्री हुई है। इससे पहले उमाशंकर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो दिल्ली से केंद्र सरकार में चले गए हैं, और आसिमा बराड़ थी और डॉक्टर अमित अग्रवाल थे, उनको नहीं लगाया, तो उनको कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर का नज़दीकी माना जा रहा था, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से इन्होंने एक अपना निर्णय लिया है, नए जो अधिकारियों को नियुक्ति दी है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी ने का अपना स्वतंत्र रूप से लिया गया ये निर्णय है, और उसमें कहीं ना कहीं जो कास्ट बैलेंस होता है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लोग जो अधिकारी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनका वैसे उनका अधिकार है मुख्यमंत्री जी का कि किसको नियुक्ति की जाएगी, किसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा जी, लेकिन वहाँ पे एक कास्ट बैलेंस भी देखना होता है, तो कास्ट के हिसाब से अगर देखें तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले राजेश कोल्लर जी जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, और अब जो वैश्य समुदाय से अरुण गुप्ता को लिया गया है, तो और जो डॉक्टर साकेत कुमार हैं उनको लिया गया है, तो अलग अलग समुदाय से सारे ऑफिसर की बैलेंस रख के चलना पड़ता है कि सारी जो जातियां हैं सारी, निश्चित रूप से जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि सभी जो सीएमओ में अधिकारी हैं या पॉलिटिकल और जो पोस्ट होती हैं उनमें कहीं कहीं बैलेंस बना रहे और एक जनता में अच्छा मैसेज आए, ताकि किसी प्रकार के बायस निर्णय किसी को लेकर न हो और लोगों को भी ये बात समझ में आए कि कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी उनकी भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं जी जी जी। तो इस तरह से जो सीएमओ के ऑफिसर्स हैं उनकी तो ऑलमोस्ट तकरीबन नियुक्ति हो गई। अब बात आती है
जो सीएमओ में पॉलिटिकल राजनीतिक पोस्ट है जी। पॉलिटिकल पोस्ट हैं उन पे एडजस्ट करने की, और उन पे किन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा ये देखने वाली बात है। चाहे जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहे हैं जो, और वो चुनाव नहीं जीत पाए, मुझे लगता है उनमें से ही जो लोग एक लॉबिंग बनाए हुए हैं जो, और क्या मतलब वो जो नेता होंगे क्या वो निश्चित रूप से आरएसएस उन आरएसएस से होंगे या बीजेपी के पुराने नेता हो सकते हैं, या कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी जो पार्टियां छोड़कर आए हैं क्या, मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा है, क्या वो भी हो सकते हैं इसमें से? देखिए राजेंद्र, ये तो निश्चित है कि जो उम्मीदवार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हार गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एडजस्टमेंट मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार भी है, जो उनके करीबी होंगे और जिनका कम लंबे समय से आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा है, और उनकी नियुक्ति निश्चित है कि इस प्रकार के जो नेचर के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हीं को इस पोस्ट पे लगाया जाएगा। चाहे हम बात करते हैं जो पुराने जो मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, जो सुभाष हुदा हैं, और अम्बाला के मतलब जो सिटी से अम्बाला सिटी से एमएलए रहे हैं, और पिछले इनके कार्यकाल में जो मंत्री भी रहे हैं, परिवहन असीम मंत्री असीम गोयल हैं, जी मनीष ग्रोवर हैं, रोहतक से आते हैं, रोहतक में वो चुनाव हार गए हैं जी और 2 बार चुनाव हारे हैं वो, लेकिन एक उनको पंजाबी समुदाय का एक दबंग नेता उनको माना जाता है। कृष्ण पाल गुर्जर हैं, जेपी दलाल हैं, और भी कई लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि कहीं कहीं उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय में राजनीतिक पद के रूप में, पॉलिटिकल एडवाइजर का जो पद होता है वो हाँ राजनीतिक पद होता है, जी तो कहीं कहीं उसमें उनकी एक एंट्री हो सके। और उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखना होता है कि जो पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं और जो सीएमओ की जो ऑफिसर्स की पोस्टें होती हैं, ऑफिसर्स की पोस्ट में तो इन्होंने एक कास्ट बैलेंस बना लिया, लेकिन जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी एक कास्ट बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। जैसे जी पिछली बार की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे वो राकेश कृष्ण कृष्ण बेदी को बनाया गया था, और कृष्ण बेदी एससी समुदाय से आते हैं, तो वो उस टाइम भी एक कास्ट बैलेंस किया गया था, और इस बार भी मुझे लगता है इसी कास्ट बैलेंस के तहत ही मुख्यमंत्री जी जो राजनीतिक जो अपना वो पद है पॉलिटिकल एडवाइजर का, उस पे किसी न किसी मुझे लगता है जाट नेता को एडजस्ट वो कर सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जेपी दलाल का नाम मुझे लगता है सबसे टॉप में आता है, क्योंकि जेपी दलाल मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उनके कार्यकाल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, जी और जब ये जो नायब सिंह सैनी पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने जेपी दलाल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत ही रिलायबल और उनके नजदीकी और उनके विश्वसनीय आदमी को ही फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो सौंपा जाता है। इसी प्रकार से मुझे लगता है जेपी दलाल उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं जेपी दलाल हो सकते हैं, और उसमें कास्ट बैलेंस भी होता है, किसान वर्ग से आते हैं, जाट वर्ग से आते हैं, और किसान वर्ग की और जाट वर्ग की भी कहीं ना कहीं सीएमओ जी में एंट्री इस प्रकार से हो सकती है, ताकि किसानों में भी एक मैसेज आए कि उनकी बात रखने वाला, और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, कृषि से जुड़े हुए मुद्दे जो सीएमओ में चर्चा होती है, उन मुद्दों पर बात करने वाला, उन मुद्दों को आगे रखने वाला वो का प्रतिनिधि जेपी दलाल के रूप में हो, जी तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा, सॉरी भारतीय जनता पार्टी को भी और सरकार को भी कहीं ना कहीं एक किसानों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाए रखने हाँ, में, कहीं ना कहीं जब बैलेंस हो जाता है तो फर्क तो पड़ता ही इन चीजों का किसानों देखते के हैं। साथ कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन बनाए रखने में, उनसे के बातचीत रखने के का एक माध्यम उनको मिल सकता है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं अगर आप बैकवर्ड ओबीसी की बात करते हैं तो मुझे लगता है ओबीसी में कृष्ण पाल गुर्जर का नाम भी आ सकता है। कृष्ण पाल गुर्जर पुराने आरएसएस के से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, और काफी ज्ञान रखते हैं, राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं, और प्रशासनिक अनुभव भी उनका अच्छा है। तो अगर बैकवर्ड क्लास से कहीं आते हैं तो लिया जा लेते हैं तो कृष्ण पाल गुर्जर, और जनरल कास्ट से अगर किसान समुदाय से लेते हैं तो जेपी
दलाल का नाम मुझे लगता है कि सबसे आगे हो सकता सबसे है। आगे हो सकता है। एक पोस्ट है ओएसडी की, वो भी पॉलिटिकल पोस्ट है, तो ओएसडी कौन हो सकता है? देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अभी स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया, हालांकि लोगों में एक एक चर्चा थी जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कि ये तो शैडो मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं उनके तत्कालीन जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके दबाव में और उनके उनके केवल और केवल उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने जो सीएमओ में जो एक नियुक्तियां की हैं वो नियुक्तियां करके उन्होंने दिखा दिया कि वो स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम है और उन्होंने लिए भी। और इसी प्रकार से अगर आप ओएसडी के मामले में अगर ये इस तरह के निर्णय लेते हैं तो मुझे लगता है जो पहले के ओएसडी हैं, चाहे अभिमन्यु सिंह रहे हों, चाहे और दूसरे जो जवाहर यादव हैं अब और भूपेश बद्याल हैं, वो रहे हों, कहीं कहीं उनका एंट्री होना मुश्किल लगता है। मुझे लगता है अगर स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम रहे, इसी तरह से उन्होंने फैसले लिए, तो इनके करीबी ही कोई ना कोई इनके आसपास के एरिया के, करनाल एरिया के और कुरुक्षेत्र एरिया के, जैसे जहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं पहले, अंबाला, इनके करीबियों का नंबर, इनके करीबियों का नंबर धर्मवीर मिर्जापुर, इनके काफी करीबी उनको माना जाता है, तो उनका नंबर कहीं कहीं इस इन नियुक्तियों में, ओएसडी की नियुक्तियों में आ सकता है। हालांकि भूपेश बद्याल, अभिमन्यु सिंह और जवाहर यादव में भी किसी न किसी एक का डेफिनेटली इनको ओएसडी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन और जो जो दो से तीन चार कर सकते हैं, कि मुख्यमंत्री क्या ये तो एक अधिकार होता है कि कितने ओएसडी अपने काम को एक सरल तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने ओएसडी लगा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कोई बंदिश वाली बात होती नहीं जी। मुझे लगता है इनमें से भूपेश बद्याल, अभिमन्यु सिंह, जवाहर यादव में से भी कोई ना कोई ओएसडी के पद पर दोबारा नियुक्ति उनकी हो सकती हो सकती हो सकती। आज का जो दौर है पीआर का, जो दौर है पीआर का जमाना है, और मीडिया सलाहकार बड़ी अहम पोस्ट होती है, तो मीडिया सलाहकार के बारे में क्या लगता है कि मीडिया सलाहकार कौन हो सकता है? मीडिया सलाहकार के रूप में सबसे पहले नाम मेरे जहन में ये आता है कि राजीव जैन का नंबर आ सकता है। राजीव जैन तो पहले भी रहे हैं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार। राजीव जैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी प्रेस एडवाइजर रहे हैं जी। और राजीव जैन के पक्ष में ये भी जाता है कि उनकी मिसिस को कविता जैन, जो दो बार विधायक बनी सोनीपत से और दो बार मंत्री भी रही, उनको अब की बार टिकट नहीं दिया गया, और टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने बहुत नाराजगी दिखाई थी और अपनी नाराजगी हाईकमान तक शो की थी उन्होंने। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके घर जाकर उनको मनाया और कहीं ना कहीं उस समय कुछ न कुछ मुझे लगता है कोई आश्वासन दिया होगा, तो इस हिसाब से देखते हुए लगता है कि राजीव जैन का नंबर मीडिया एडवाइजर के रूप में आ सकता है। इसके बाद राजीव जेटली बड़े अच्छे अनुभवी हैं और प्रेस के जानने वाले हैं, मीडिया का जो कल्चर है वो समझते हैं। राजीव जेटली का भी नंबर पहले इनकी मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी वो प्रेस एडवाइजर रहे हैं, दिल्ली बैठते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपनी नज़दीकियाँ मुख्यमंत्री से बनाए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत लोग हैं जो आजकल मीडिया का भी काम, आजकल क्या पिछले कार्यकाल में प्रवीण आत्रे हैं और अरविंद सैनी है, अशोक छाबड़ा है, वो मीडिया लाइजन मीडिया का काम वो अलग अलग डिविजनों में देखते रहे, तो उनका भी कहीं ना कहीं चांस जो है वो बन सकता है, उनके नाम पे कहीं कहीं सोचा जा सकता है, जिन्होंने अच्छा काम किया और जो बेहतर मीडिया की जो कार्यप्रणाली को जानते हैं उनमें कहीं कहीं उसका नाम एक का नाम शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है सबसे पहले राजीव जेटली और राजीव जैन का नाम टॉप में आता है, इनमें से कोई भी एक मीडिया एडवाइजर की जगह ले सकता है। और इसके साथ दिल्ली में भी आजकल मीडिया एडवाइजर बैठते हैं, एक हरियाणा यहाँ पे चंडीगढ़ में बैठते हैं, और फील्ड में भी नियुक्ति दी जा सकती है, दो तीन मीडिया एडवाइजर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल जो एक ट्रेंड है मीडिया का और एक प्रचार का मामला है, तो इससे लगता है कि कहीं कहीं इन लोगों का जो मुख्यमंत्री जी का
मीडिया के जो काम है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, और वो कौन बेहतर कर सकता है वो काम उनमें से देखने वाली बात है। राजीव जैन बहुत अनुभवी है, दोनों तीन सरकार दो तीन सरकारों के साथ उन्होंने काम किया और पत्रकार रहे हैं वो। और जब हरियाणा विकास पार्टी और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब से ये मीडिया का काम देखते रहे हैं, तो मुझे लगता है सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजीव जैन राजीव जैन के चांसेस उसके बाद राजीव जेटली के चांसेस मुझे लगता है ज्यादा लगते जी। अभी मैंने जो महसूस किया कि मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे जो भी लोग रहे हैं सीएमओ में, तो कहीं ना कहीं वो सारी टीम जो है वो सीएमओ से आउट है। तो अभी जो टीम आने वाली है बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनके करीबी लोगों की टीम आएगी। तो ये जो फैसला है कि क्या जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी ये बिना दबाव के सही लोगों का चयन कर पाएंगे, या ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हाईकमान जो है वो उसका प्रेशर रह सकता है? देखिए अभी तक जो सामने आया है जो कल परसों कल नियुक्तियां जो दी गई हैं उनमें तो ऐसा लगता है कि अपना स्वतंत्र रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है जी। कि उनके जो जो विश्वसनीय लोग हैं उनकी चाहत के जो ऑफिसर्स हैं उनको लगाया जाए तभी बेहतर काम कर पाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए मुझे लगता है जो जो पुराने जो जाए चाहे हम डॉक्टर अमित अग्रवाल की बात करें, असीमा अम्बराड की बात करें, चाहे और जो दो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सीएमओ के ऑफिसर हैं उनकी बात करें तो उनको कहीं ना कहीं आउट किया गया। हालांकि जो व्यू उमाशंकर थे वो तो दिल्ली जा चुके हैं, केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको तो यहाँ से बदल दिया गया है। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र रूप से उन्होंने फैसला लिया है, और आगे भी जो पॉलिटिकल पोस्ट होंगी जो राजनीतिक सलाहकार या ओएसडी होंगे अलग अलग जो उनको जिसको काम दिया जाएगा तो उनके लिए स्वतंत्र फैसले मुझे लगता है लेंगे, और एक अपनी एक पहचान भी ये प्रदेश में दिखाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ये दिखाएंगे कि एक स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री है और किसी के दबाव में और किसी के गुमराह किसी प्रकार से गुमराह होने वाला नहीं है। तो इस तरह का एक मैसेज देने की ये कोशिश करेंगे नायब सिंह सैनी, और मुझे लगता है आगे भी यही रहेगा कि बिना किसी दबाव के बिना किसी हालांकि जो किसी भी चाहे पॉलिटिकल पोस्ट हो चाहे सीएमओ में ऑफिसर्स की पोस्ट हो भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है उनसे तो बात करते हैं, ये तो हर जो मुख्यमंत्री है उनसे सलाह करके उनसे बातचीत करके इस तरह के फैसले लेता है, लेकिन ये नहीं कि किसी के दबाव में बोले किसी की सलाह से फैसले ले सकते हैं, किसी के दबाव में मुझे लगता है फैसले नहीं लेने जी। सो दोस्तों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने अपने पसंद के जो अधिकारी थे अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तो उन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। अब है पॉलिटिकल पोस्टों की बारी, क्या उस पर वो बिना दबाव के अपने करीबियों को या सही लोगों को बिठा पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।